पता है बहुत कड़ी धूप है, लेकिन छोटे छोटे जल्दी जल्दी और धूप मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा वो नहीं रखती है, क्योंकि मैंने जिंदगी इसी प्रकार से जी है। मैं सुख वैभव में इतनी ताकत कहाँ से आती है? एक वक्त पे मैं देखती हूँ सुबह सुबह आपका कार्यक्रम शुरू हो जाता है, अलग अलग जगहों पर जाकर आप रैली को संबोधित करते हैं, फिर शाम को रोड शो करते हैं, फिर रात में मीटिंग करते हैं, इतनी जो ताकत। इसके सैकड़ों कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं जो कन्विंस हो चुका हूँ, मैं खुद कन्विंस हो चुका हूँ, मुझे दुनिया को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। परमात्मा ने मुझे भेजा है, परमात्मा ने मेरे से काम लेना तय किया है। ये ऊर्जा भी परमात्मा देता है, प्रेरणा भी परमात्मा देता है, पुरुषार्थ करने की दिशा भी परमात्मा देता है, ये सब कुछ ऊपर वाले की कृपा है। इसीलिए राम मंदिर का निर्माण आपने करवाया और उसके बाद वहां पर रामलला की राम मंदिर का निर्माण मोदी ने करवाया, ऐसा दावा करना गलत होगा। 500 साल तक एक संकल्प को लेकर ये देश जिया है, अनेकों पीढ़ियों ने बलिदान दिया है, अगर ये इसका श्रेय जाता है तो 500 साल तक तपस्या करने वाले, संघर्ष करने वाले, बलिदान करने वाले मेरे देश के सभी महापुरुषों को, मेरे देश के जन जनार्दन को इसका श्रेय जाता है। लेकिन परमात्मा ने और जनता ने मुझे निमित्त बनाया, शायद वो ईश्वर की कृपा है। चुनाव में मुद्दा रहेगा राम मंदिर का? चुनाव में राम मंदिर पहले भी मुद्दा नहीं था, आज भी नहीं है, भविष्य में नहीं रहेगा। राम मंदिर श्रद्धा का मुद्दा है। जिन्होंने राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकरा दिया, उनको डर लगता है कि अब ये पाप हमें मार देगा, वो चिंता में है।